आज ठेसबुद्धि की छोटी बहन का जन्मदिन है तो मैं और ठेसबुद्धि निकल जाते हैं मिथिया को इनवाइट करने के लिए, मगर यहाँ एक गलती घमासान युद्ध का कारण बन जाती है। ठेसबुद्धि पंगे तो ले लेता है मगर आगे की नहीं सोचता है। मामला शांत होने के बाद ठेसबुद्धि मिथिया से कहता है शाम को घर आया ना। अभी तो आगे घर से निकलने के बाद मैं और ठेसबुद्धि निकल जाते हैं छोले और मैदा लेने, क्योंकि आज ठेसबुद्धि के यहाँ छोले भटूरे बनेंगे। आई ट्रेस बुद्धि का लास्ट बोर्ड का एग्जाम है तो मैं और अमित उसे उसके एग्जाम सेंटर तक लेने जा रहे हैं, और यहाँ अभी तक एग्जाम चल रहा है। जैसे ही एग्जाम छूटता है हमें यहाँ हमारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, और हमें हमारे सब्सक्राइबर्स से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और हम यहाँ थोड़े बहुत फोटो खिंचाते हैं और ठेसबुद्धि को वहाँ से ले आते हैं। अभी हम जा रहे हैं ठेसबुद्धि की छोटी बहन के लिए कपड़े लेने, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। कपड़े पसंद करके बिल कटाने के बाद हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और घर जाने से पहले केक भी तो लेना है, तो फिर केक लेने के बाद फाइनली हम घर के लिए निकल जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद ठेसबुद्धि के यहाँ दावत खाने आ जाते हैं, और ये है ठेसबुद्धि की मम्मी और ये उसकी छोटी बहन जिसका जन्मदिन है। खाना पीना खाने के बाद केक काटने वाली रस्म होती है, और केक उसकी दादा दादी और उसकी छोटी बहन काटते हैं।